दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की हार के बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया और पूरे 25 करोड़ रुपए के टीवी टूट गए। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है भाई, T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे हाई और वोल्टेज मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला गया, जिसमें इंडिया की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 119 रन स्कोर पर लगा पाई 10 विकेट खोने के बाद, जिसमें ऋषभ पंत ने 42 रन का योगदान दिया, अक्षर पटेल ने 20 रन का योगदान दिया। और दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की टीम जब मैदान पर आई तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के क्रिकेटरों को इस मुकाबले को हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, मगर दोस्तों भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया और केवल पाकिस्तान की टीम को 113 रन के स्कोर पर रोक दिया, जिसमें रिजवान ने सबसे ज्यादा 33 रन का योगदान दिया और कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कमाल नहीं कर पाया। मगर दोस्तों इस मुकाबले को इंडिया की टीम ने 6 रन से जीता, लेकिन दोस्तों जैसे ही भारतीय टीम के हाथों पहले की तरह पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में पूरा बवाल मच गया और जिन जिन लोगों ने जो मैच देखा उसके बाद दोस्तों सभी लोगों ने अपनी टीवी तक तोड़ दी। मगर दोस्तों अब बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि पाकिस्तान में पूरे 25 करोड़ रुपए के टीवी टूट चुके हैं। बस गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है।